हेलो गाइस, व्हाट इज अप। तो यार आज आ चुके हैं वापस आप सबके बीच एक और नई वीडियो लेके। जी हाँ, जैसे कि आपसे वादा किया था यार, i10 ग्रैंड का आपके लिए आएगा इंटीरियर रिव्यू। और भाई ये रही i10 ग्रैंड, ये रहे हम, और इसके ओनर को भी जल्द बुलाएंगे। उससे पहले यार आपको जैसे पता ही है, सबसे पहले तो हम करते हैं डिटेल वॉक अराउंड। तो यार डिटेल वॉक अराउंड आपको देंगे, उसके बाद गाड़ी के अंदर चलेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो होने नहीं वाला, क्योंकि यार गाड़ी क्योंकि एक तरह से स्टॉक आई थी, ज़्यादा इसमें भाई ने काम करवाया भी नहीं था, तो फटाफट से एक छोटा सा वीडियो होने वाला है। बाकी उससे पहले यार जो इसका मेन वीडियो आया था एक्सटीरियर का, उस पर जाके फटाफट से लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दो। तब तक हम चलते हैं, आपको वॉक अराउंड दिखाते हैं। तो यार ये देख लो भाई, ये खड़ी है अपनी i10 ग्रैंड। तो यार देखो, सबसे पहले तो भाई अलॉयज भी मतलब ठीक है, व्हील कैप अच्छा लग रहा है इसका। तो यार देखो, सबसे पहले यार ये तो अपना फॉग लैंप हो गया, ठीक है। उसके अलावा यार ये अपना इंडिकेटर हो गया, इसमें हाई बीम और लो बीम एक ही बल्ब में। बाकी यार देख लो यार, गाड़ी की लुक काफी अच्छी लग रही है, कलर मेरे को बहुत प्यारा लगा यार पर्सनली। बाकी यार साइड व्यू आपको दिखाता हूँ, साइड प्रोफाइल कार की। ये देख लो यार, टेढ़े टायर तो भाई हर जगह अच्छे लगते हैं, भाई अपनी गाड़ी भी खड़ी है वहाँ। तो ये देख लो भाई, साइड से कुछ ऐसे दिखती है यार। बाकी इसमें यार ज्यादा कुछ बताने का नहीं है, मेरे हिसाब से सही है, काफी अच्छी लग रही है गाड़ी। रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं मिलता यार इसमें, क्योंकि ये काफी लोअर वेरियंट है, और उसके अलावा ये प्राइस बेस है। बाकी यार आपको इसमें दिख रहा है आपको फ्यूल का लिड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यार इसकी बैक साइड पे। तो यार बैक साइड में देख लो भाई, बैक साइड में सबसे पहले तो आपको Hyundai की बैचिंग मिल जाती है, ठीक है, अपने ऑटोमेटिक क्योंकि गाड़ी है तो उसका बैजिंग हो गया, ग्रैंड i10 की बैजिंग। अच्छा उसके अलावा यार ये देखो जो यार ये है अपना बैक कैमरा जो कि बाहर से लगवाया है भाई ने। उसके अलावा यार ये देख लो, ये अपने पार्किंग सेंसर है इसमें दो पीछे की तरफ। ये काफी अच्छा लगा मेरे को कि यार 6 लाख की गाड़ी जो कि ओरिजिनल प्राइस थी, उसमें यार पार्किंग सेंसर वो भी बैक में मिल रहे हैं। ये देख लो भाई, दो और यहाँ पे स्पॉट कर दिए गए हैं पार्किंग सेंसर आप लोगों के लिए, ये देख लीजिए। तो बाकी यार बैक से काफी अच्छी लग रही है गाड़ी, मतलब काफी तगड़ी लुक है। और अब वापसी आ जाते हैं हम साइड पे। तो यार साइड पे क्या मिलेगा, अच्छा ऊपर आप देख सकते हैं एंटीना दिया गया गाड़ी में, और यार मेरे हिसाब से इतना ठीक है बताने के लिए आपको। ये देख लीजिए यार दोस्तों, ये हो गया आपके लिए एक डिटेल सा वॉक अराउंड। अब फटाफट से घुस जाते हैं गाड़ी के अंदर विद द ओनर मिस्टर अभेद। तो यार आ चुके हैं वापस, और भाई ये रहे अभेद भाई, कर दो भाई सबको नमस्कार। हेलो भाई, क्या हाल सबके। तो आ गए यार अभेद भाई, ये आपको फिर से ऐसा रिव्यू दे देंगे कि भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाड़ी लेने के लिए। जितना इन्होंने बोल दिया ना उतना मान के चलो भाई, इनमें इतनी डिटेल नॉलेज है। तो चलो भाई अब हो जाओ शुरू। तो भाई ये ग्रैंड i10 का वो मैग्ना वेरिएंट है, और ये एक्चुअली जो वेरिएंट था मतलब बिल्कुल जब हमने लिया, जब ओनर थे इनके फर्स्ट ओनर लिया, तो बिल्कुल इसमें म्यूजिक प्लेयर भी नहीं आता था। अच्छा, बस ये बिल्कुल एसी वगैरह बेसिक था, स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी नहीं थे। अच्छा आपने स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी बाहर से लगवाए हैं। कंट्रोल्स ये इसके टॉप मॉडल में आता है। अच्छा अच्छा, कपलर कपलर फिट। हां हां हां, अच्छा अच्छा। तो और यहां पावर विंडोज और लॉक सब था इसमें, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स थे। ओके, और बाकी ये सब ब्लैक आता है इसमें, क्योंकि बेस से एक ऊपर मॉडल ये था, ऊपर वाला में सिल्वर पेंटेड आता है। तो बाकी इंटीरियर की बात इसके आप करो, तो इंटीरियर में सबसे पहले जो मैंने काम इसमें करवाया जब मैंने ली, तो इसमें टच स्क्रीन म्यूजिक प्लेयर आता था। अच्छा, पर उसका साइज छोटा था और उसमें उसकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड थी। मैंने सबसे पहले ये मिंडा की एंड्रॉइड स्क्रीन इसमें इंस्टॉल करवाई। ओके, और ये इसमें क्या है, आप इसमें अब मोबाइल से कनेक्ट करो, एक आपके टैबलेट की तरह से एप्पल आईपैड होता है, एक एंड्रॉइड टैबलेट आप इसको मान लो। इसमें जैसे मैंने अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट कनेक्शन दिया है, वाईफाई ऑन हो गया, इसे आप यहाँ पे गूगल मैप्स चला लो। अच्छा, और गूगल मैप्स चलाने के बाद आप जो भी अपनी डेस्टिनेशन है आप इसमें फीड कर दो। ओके, और ये आपको गाइड कर देगी जैसे नॉर्मल कार में होता है, गूगल मैप्स हो गया। और फिर इसके बाद आप इसमें बाकी एप्लीकेशंस भी हैं, इसमें यूट्यूब अच्छा, है अच्छा, अच्छा। गूगल है इसमें, मतलब ये इसमें आप और कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जैसे आप किसी फोन या उसमें करते हो, अपनी मनपसंद की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ये इसमें प्ले स्टोर भी है, अच्छा, प्ले स्टोर अच्छा। से आप एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएंगे। बाकी यार टच एंड फील आपको कैसा लग रहा है इसका? टच एंड फील बहुत वो भी नहीं है कि स्मूथ भी नहीं है, पर ये नहीं है कि बहुत लैगी है। ठीक अच्छा। है हाँ, लैग तो नहीं मार रहा है जितना आप दिखा रहे हो शो में, अच्छा लग रहा है, मतलब सही है। यहाँ पे आप सर्च कर लो ऐप और सर। बाकी भाई एक चीज बोलूंगा, यूट्यूब वगैरह भाई गाड़ी चलाते वक्त मत देखना भाई, वो अलाउड नहीं है भाई, ये बाहर से तो लग जाती है चीजें, और भाई बाहर से ये अलाउड होते हैं, पर दरअसल गाड़ियों में जो चीजें आती है ना इनबिल्ट भाई, उनमें नहीं चलता भाई। तो भाई बिल्कुल भी मत देखना ऐसे ड्राइविंग करते हो। चलो भाई बताओ अब। तो ये बाकी इसमें ब्लूटूथ म्यूजिक है, क्रोम है, ये सब म्यूजिक वीडियो कॉल तो ये सब तो आप ले ही सकते हो। हाँ, हाँ। नॉर्मल ब्लूटूथ उसमें लेते हो। ओके, बाकी ये इसका माइक है ऊपर, यहाँ से जो आपकी आवाज से जाती है। और बाकी स्पीकर्स तो इसमें मैंने 4 स्पीकर प्लस 4 ट्वीटर का पायनियर का सिस्टम इंस्टॉल कराया,
तो ये वाला जो पार्ट है ये इसके टॉप मॉडल्स में आता था, जो स्टीयरिंग कंट्रोल से इसमें नहीं आता था। तो मैंने क्या किया कि जिनसे मैंने काम कराया उनके पास ये टॉप मॉडल का ये पार्ट पड़ा था, सीधी कपलर टू कपलर इसमें फिटिंग हो गई। मतलब यार सारी फिटिंग्स कपलर टू कपलर ही की गई है, कोई भी भाई तार छीली वगैरह नहीं गई। इससे मैं अपनी वॉल्यूम और ये सब कंट्रोल कर लेता हूं इससे बाकी। ठीक। और ये इसका स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर की इसकी फंक्शनैलिटी बहुत लिमिटेड है, जिसमें आपकी सिर्फ एक गियर पोजीशन बता देता है, इको मोड इसका ऑन है कि नहीं है, और बाकी आप इससे ट्रिप बटन दबा के बाकी ट्रिप पे ट्रिप भी डिस्टेंस टू कितने आपने कार चलाई है और इको मोड बहुत कम लिमिटेड फंक्शनैलिटी है। बाकी यार आप देख सकते हो ओडोमीटर में 22,387 कार ड्रिवन है और आधी टैंकी भी भाई ने खाली कर रखी है। तो यार अब और बताओ यार, मेरे हिसाब से आपने इतना ही कुछ कर। अच्छा यार सबसे पहले ना इसके गियर बॉक्स के बारे में बताओ भाई थोड़ा पब्लिक को। गियर बॉक्स ये है कि इसका ये जो गियर बॉक्स है ये इसका 4 स्पीड का ऑटोमेटिक का गियर बॉक्स, टॉक कन्वर्टर है प्रॉपर। और ये इसके अभी पार्किंग मोड पे लगा क्योंकि कार अभी खड़ी है, इसमें रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव है और मैनुअल मोड भी है, प्लस माइनस से कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि मैं इसको मोस्ट ऑफ द टाइम डी में चलाता हूँ और इसकी पोजीशनिंग बहुत कन्वीनियंट है, मैनुअल में भी इसकी यही आती है, तो जो शॉर्ट ड्राइवर है उनका हाथ पहुंच जाता है, रीजनेबल है और कंफर्टेबल है। और इधर आपका स्टोरेज स्पेसेस भी इसमें काफी है, इसमें 2 कप होल्डर आते हैं दिख रहा है भाई, एक ये जगह आती है थोड़ी सी और मेन एक यहाँ पे बहुत बड़ी जगह है, इधर आप बहुत इधर सामान रख सकते, फोन जैसे मैंने रखा हुआ है, और इधर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आता है। अच्छा, और यार इसमें आप देख सकते हो दोस्तों बॉटल होल्डर्स भी हैं, बाकी अपने पावर विंडोज आई थिंक चारों उसपे ही हैं। जब बॉटल होल्डर है 1 लीटर की बॉटल सफिशिएंटली फिट आ जाती है और थोड़ा बहुत और सामान भी आ जाता है। और ये आगे का बेसिकली ये वैनिटी लाइट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड की गई है इसमें, बाकी इसमें मिरर आपको मिल जाएगा, वैनिटी मिरर। ओके, तो यार और अच्छा, और इसका जो अपना बैक रियर व्यू मिरर है वो भी नॉर्मल ही है भाई, वो भी नॉर्मल है, मैनुअल डिवाइस है। अच्छा, बाकी यार आगे का तो भाई ने आपको बहुत ज्यादा ही बता दिया, बाकी इसमें एक रिवर्स कैमरा भी है। रिवर्स कैमरा देख लो यार, क्वालिटी यार काफी अच्छी है यार, ऐसी बात नहीं है, मतलब ठीक है, कंपनी में भी यार ऑलमोस्ट ऐसा ही लगता है सिमिलर देखने में भी। बिल्कुल, गाइडेंस भी इसमें सारी कर देता है, गाइड भी कर देता है कितने। बाकी इसमें चार डोर्स पे चार स्पीकर। अच्छा अच्छा, और ट्वीटर्स भी ऐसे, एक ये रहा ट्वीटर और ये चार डोर्स पे स्पीकर है। अच्छा, तो एक ये रहा यार मैं आपको दिखा देता हूँ, डैमेज हो रखा है तो वो थोड़ा। अच्छा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप ये देख लीजिए, एक ये रहा और मैं आपको बैक में दिखा देता हूँ, एक स्पीकर ये रहा, एक भाई ट्विटर भाई के ऊपर भी है, ये देख लीजिए पायनियर का लगा हुआ है, बाकी यार जो चारों तरफ होते हैं वहाँ तो है। अच्छा और बता दो यार फ्रंट में और क्या बताना चाहते हो आप। फ्रंट में बेसिकली लादली तो इतना है ही, बहुत ज्यादा इक्विप्ड कार तो है नहीं, मतलब बाकी तो बेसिक नॉर्मल कार जितना है, सही बात, तो बहुत डिटेल्ड है नहीं। बाकी यार इसका वो काफी अच्छा लग रहा है, आपने जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स लगवाया ना, मतलब एकदम खिल के आ गया भाई, मतलब खिल के आ गया रात को, अच्छा ग्लो भी करते हैं, नाइस यार, सही है यार, अच्छा लग रहा है। मतलब आफ्टर मार्केट मैंने जनरली, मैंने तो कभी पर्सनली एक्सपीरियंस करा नहीं आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज का, पर आपने जो लगवाई है मेरे को काफी अच्छी लगी देखने में। प्लस मेन ये है इसमें आगे आपकी मैंने एलईडी लाइट इंस्टॉल करी है। अच्छा अच्छा, तो अभी तो दिन डेट थोड़ा धूप है तो थोड़ा अभी थ्रो इतना अभी दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा, बट हाँ रात को अच्छा सफिशिएंट। अच्छा, तो यार जैसे आप जनरली लोग बोलते हैं एलईडी लाइट्स आजकल, जैसे आपकी 700 है उसमें भी एलईडी मिलती है आपको, है ना, हमारी जैसे 300 है जो सामने खड़ी है भाई उसमें हैलोजीन आती है, तो यार कोई फर्क पड़ता है एलईडी और हैलोजीन से। मैंने मतलब जनरली ये सुना है कि जैसे आप फॉग वगैरह में जाते हो तो एलईडी लाइट्स फॉग के थ्रू ना क्लियरली विजिबल नहीं हो पाती जैसे आप ऑन करते हो, पर हैलोजीन कर लेती है, तो आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस करा है, आप कुछ बताना चाहते हो इसमें। मैंने एक्चुअली अभी ऐसे ज्यादा टाइम हुआ नहीं डलवाए हुए, और मैंने थोड़ा रिलेटिवली जब फॉग नहीं थी तब डलवाई थी, जनवरी में डलवाई था, फॉग था नहीं उस टाइम, जनवरी मिड के बाद, तो तब तक अभी तक तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं, और प्लस इस कार की यूजेज भी लिमिटेड आसपास के काम के लिए, सही बात है, सिटी में ठीक है, पर हाँ मतलब जैसे अंधेरे वाली रोड पे ये है कि थोड़ी इसकी इल्यूमिनेशन है, वो तो होती है भाई, हैलोजन में वैसा मजा नहीं जैसे एलईडीज में, बिल्कुल थोड़ा दूर तक थ्रू है, पावरफुल थ्रू है, ये इसका फायदा। ओके, तो यार मेरे हिसाब से भाई ने ना आपको फ्रंट के बारे में बहुत बता दिया, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फ्रंट से और जूम करके लोग, यार देखो गाड़ी कुछ ऐसी लगती है देखने में, एंड्रॉइड स्क्रीन मेरे को काफी अच्छी लगी यार इसने जो लगवाई है, बाकी यार पूरा पैनल साथ में चेंज हो गया, ये पूरा अच्छा, कंपनी का पैनल भी आता था पर ये पूरा पैनल इसके साथ ही आया, ये पूरा पैनल फुल, मतलब ये जो पूरा स्टीरियो था ये डेडिकेटेड था ये मॉडल। अच्छा अच्छा अच्छा, और यार उसके अलावा देख लो भाई मेरे को भाई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बहुत प्यारे लगे भाई, और बाकी ओडोमीटर भी शॉर्ट एंड स्वीट सा है, मतलब जैसे पुरानी गाड़ी आती थी ना भाई ऐसी ओडोमीटर सबसे बेस्ट होते थे भाई, मतलब हालांकि अब तो भाई डिजिटलाइजेशन कुछ ज्यादा तगड़ी हो गई है गाड़ियों में, पर यार काफी अच्छी लगी मेरे को। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ, एक चीज इसमें और है, इसमें मैंने चारों डोर्स पर डैम्पिंग करा रखी है, तो डैम्पिंग से ये होता है कि इसकी जो साउंड है वो लीक नहीं होती, बाहर कार के अंदर रहती है। अच्छा, और अच्छा। कार की इंसुलेशन बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा, मतलब दरवाजों में हेवीनेस आ जाती है। हाँ। तो मैंने शायद से 3M की कराई थी,
और स्पीकर और डैम्पिंग वो साथ में थी। तो यार आपने अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा कर दिया गाड़ी पे पूरा? अप्रोक्सीमेटली यार ये 10,000 की स्क्रीन थी, 10,000 के स्पीकर प्लस डैम्पिंग का सिस्टम था। ओके। उसके बाद करीबन ये 3,000 का ये पैनल था। ओके। और हमारी 7,000 रुपए की बेस ट्यूब थी। 30 तो ये हो गए। और 7,000 में बेस ट्यूब प्लस वो लाइट्स थी आगे। अच्छा अच्छा, तो मतलब 30,000 के करीब आपने कर दिया। पर वर्थ इट लगे आपको? वर्थ इट तो लग रहा है यार, मतलब जिस तरह का काम हुआ है, एसेंशियल नीड्स थी यार, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को काफी अच्छा लगा भाई काम ना जो आपने करवाया। बाकी यार आपको ना डैम्पिंग के बारे में जैसे भाई ने बताया, तो वो साउंड्स वाला वीडियो तो आपने देखी होगा, डैम्पिंग से फायदा तो होता ही है। बाकी आप क्या बोलोगे भाई, डैम्पिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? डैम्पिंग यार देखो, मतलब आजकल की तो जैसे अपर एंड कार्स तो अच्छे इंसुलेटेड आती है, अगर आप अच्छा म्यूजिक। तो यार गाइज अब आपको ना इसकी डैम्पिंग की आवाज सुनाता हूँ। यार ये डैम्प्ड एरिया है और ये वाला अपना अनडैम्प्ड है, तो आप देख सकते हो यार कितना ज्यादा फर्क है भाई दोनों में, ये देखो। तो दोस्तों यार अब मैं आ चुका हूँ फ्रंट पे और यार भाई बैठे हुए पीछे, तो अब कैमरा घुमाऊंगा सीधा उसकी तरफ। फ्रंट का तो यार उसने आपको सफिशिएंट इतना है ना, मतलब कि अगर आप इस गाड़ी को आगे भी लेना चाह रहे हैं और काम करवाना चाह रहे हो, तो इसने आपको इतनी ज्यादा चीजें बता दी है ना कि मतलब अब आपको कोई देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस वीडियो को खोल के बैठ जाओ, जिसको दिखाने उसको दिखाओ। तो यार अब ये वाली बातें करते खत्म और सीधा कैमरा घुमाते हैं और भाई बैठा है पीछे, आपको पीछे के बारे में बताते हैं। One hour later. तो पीछे भी ऐसा जिसमें वो बहुत खास नहीं है, एक इसमें फीचर जो तब इसमें लॉन्च हो रहा है, उसमें रियर एसी वेंट्स आते हैं। हाँ यार भाई, यार ये तो भाई मत दिखाया करो यार, मेरी गाड़ी में नहीं है, बहुत बुरा लगता है ये देखने में। बाकी रियर एसी वेंट्स काफी अच्छी चीज है यार, पैरों पे तो हवा पड़ी जाती है भले ही जैसे भी है। एडजस्टेबल है अपने अकॉर्डिंग। पीछे भाई इसमें सॉकेट तो नहीं होगा आई थिंक चार्जिंग का? एक है 12 वोल्ट। अच्छा, ओहो वाह भाई, हुंडई वालों भाई कमाल कर रखा है भाई, पीछे भी सॉकेट मिल रखा है भाई आपको। वाह यार ये तो काफी कमाल का फीचर हो गया भाई, सही है यार। तो अब बता दो भाई और 12 वोल्ट का सॉकेट है, बाकी वही सेम चीजें हैं, इसमें भी कप होल्डर है पीछे। इसका वो आर्मरेस्ट यहाँ आर्म रखने की जो आपके जगह है वो इतनी बड़ी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा बहुत निकनाक रखने की थोड़ा बहुत जगह है, छोटी सी पॉकेट है, बट ऐसा जितना कोई बड़ा नहीं है। तो ऐसा की कोई बहुत पैसेंजर वो नहीं है कि आप कोई लग्जरी या कार के पीछे बैठे हो, बट ठीक है। जब ठीक है यार, मतलब इतनी रेट में बहुत अच्छी गाड़ी लगी यार मेरे को तो आपको भाई, मतलब ऐसा लगा आपके बहुत मस्त बटेर लगी भाई, बहुत तगड़ी लगी मेरे को तो ये गाड़ी आपकी, शॉर्ट एंड स्वीट सी गाड़ी है ना। मतलब मैं ये बोलूंगा भाई, सिटी में अगर मेरे को भी मौका मिले ना ये गाड़ी लेने का, मैं तो मैं जरूर लूंगा, क्योंकि भाई मेरी गाड़ी भी है जैसे, माने की छोटी है पर घुस जाती है थोड़ा, पर इसका डर लगता है ले जाते हुए ना, पर शॉर्ट गाड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं यार, और जिस प्राइस में आपको मिल गई ना भाई वो बहुत तगड़ी लगी भाई मेरे को। बाकी आपने काम भी इसमें काफी अच्छा करा रखा है। और बता दो भाई पीछे कुछ आपको लगता है तो? पीछे यार बस इतना, एक पार्सल ट्रे आती है तो हम। अच्छा अच्छा, ओके। बाकी ऐसे जिसमें पीछे इतना नहीं है, आगे पीछे बूट की तरफ जाते हैं। तो चलो चलें बूट की तरफ। तो चलो दोस्तों, अब भाई ने बोल दिया तो चलते हैं बूट की तरफ। सो गाइज यार अब आ चुके हैं आपको फाइनल इसका लुक देने, जो कि अपना बैक वाला लुक तो आपको दे देता है यार। अब फाइनल पार्ट आते हैं वीडियो के पे, जो कि था यार गाड़ी का बूट बताएंगे। बूट यार अपने वीडियोस में सबसे कंसर्न मेन पॉइंट रहता है, क्योंकि यार बूट के बारे में ही आजकल पब्लिक बात कर रही है, और क्योंकि ये सेगमेंट भी अलग है, एसयूवीज वाला नहीं है, तो यार इसमें बूट ठीक ठाक मिलेगी। तो आओ यार फटाफट फिर से करते कैमरा फ्लिप, भाई आएगा आपके सामने, इसी बात से कर दो फटाफट से सब्सक्राइब। आ जाओ दोस्तों। 2000 years later. बताओ भाई अब बूट पे आ गए हम। बूट का बेसिकली ये इसके हम बूट खोलते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, सिंपल है बोला। अच्छा, और ये साथ में पार्सल ट्रे, ये देख लो यार। सबसे पहले तो यार ये पार्सल ट्रे है, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं यार, सामान तो इग्नोर है। बाकी भाई यार ये मस्त लग रहा है जो आपने बेस ट्यूब जो भाई ने लगवा रखी ना, ये देख लो भाई क्या तगड़े है। बाकी सामान को प्लीज इग्नोर गाइस। अब बताओ यार इसका बेस ट्यूब को, तब तो बेस ट्यूब अभी लगवाई है, वैसे मैंने इसको कार को टॉप तक करा हुआ लोड, ठीक ठाक सामान आ गया था, बहुत ज्यादा भी जगह नहीं है बताया था लास्ट वीडियो में। हाँ हाँ, तो इतना ही जगह है कि आप चार बंदे अगर जा रहे हो पब्लिक को पता ही नीचे स्पेयर व्हील का। अच्छा अच्छा, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आई आज तक? किसमें मतलब जैसे प्रॉब्लम स्पीकर फट रहे हो या कुछ ऐसे? नहीं, जब इसके वो स्पीकर मैंने बताया कि जब मुझे लगने लगे उनका परफॉर्मेंस डाउन था तो मैंने स्पीकर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बाकी सही रहा। बाकी इसमें यहाँ पे 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन है। अच्छा अच्छा, इसमें भी आता है जैसे अपनी गाड़ी में 60-40 का? सही सही, वो मत करो भाई फालतू में, अनकन्वीनियंस रहेगी आपके लिए। ये देख लो भाई 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन है, आपको नॉब्स दे रखे, इनको खींच के आप डाउन कर सकते हो। तो यार मेरे हिसाब से भाई ने आपको कुछ ज्यादा ही बता दिया गाड़ी के बारे में, जो रिक्वायर्ड नॉलेज थी उससे ज्यादा यार आप बता देते हो हर वीडियो में। तो यार इसी बात पे भाई कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो यार। बाकी
बाकी मैं ये कहूंगा कि देखो अभी कार बदनी बंद हो गई है वाला मॉडल, तो अगर आपको एक सेकंड हैंड ऑटोमेटिक चाहिए कार कि आपको कार सीखनी है, आपको थोड़ा सा मतलब 5 लाख तक का बजट है, अब मैं कहूंगा इसको कंसीडर करें क्योंकि स्पेस भी कार में ठीक ठाक है और बाकी ट्रांसमिशन इसकी और अच्छी है सिटी कार के हिसाब से और ओकेजनल हाईवे उसके लिए भी कार ठीक है। ओके, तो मतलब स्मूथ आपको थोड़ी कार चाहिए ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी, आई सजेस्ट की आप ये कार लीजिए। So guys, you can go for Hyundai Grand i10 Magna तो I think जो भी है मतलब आपकी मर्जी है दोस्तों, but I think मेरे भाई ने आपको बता दिया कि गाई गाड़ी लेनी है 5 लाख तक तो आप ले सकते हो एंड यू विल गो डेफिनेटली फॉर दिस बिकॉज मोटर एम्पायर है सेट। सो और बता दो भाई क्या बताओगे? और भाई बस बढ़िया, इसमें एक और वेरिएंट भी आता है। अच्छा, ऊपर स्पोर्ट्स वेरिएंट भी आता है, वो भी देख सकते हो, उसमें ये कि इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम वगैरह आता है, अलॉय व्हील्स आते हैं, बट अगर आप पर्सनल थोड़ा कस्टमाइजेशन आपका तो आप ये कंसीडर कर सकते हो वेरिएंट। अच्छा, सो गाइज ये था आप लोगों के लिए Hyundai Grand i10 Magna का एक शॉर्ट सा इंटीरियर रिव्यू। बाकी यार रिव्यू कैसा लगा ये जरूर बताना भाई, मेहनत बहुत लग रही है भाई, पेपर नजदीक है उसके बावजूद आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई, झुकेगा नहीं यार। ऑडियंस को वीडियो दिखाना बहुत जरूरी हो गया आजकल, जो आप मैं कर ही रहा हूँ और आप भी उस पर प्यार दिखा रहे हो। बाकी यार अपनी शॉर्ट्स और रील्स आजकल बहुत चल रही है यूट्यूब पे, उनको जरूर देखें भाई, उससे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को तो वीडियो जरूर देखें, वीडियोस पे भी आप काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इसी तरह शॉर्ट्स और रील्स को भी लाइक करते रहे, वीडियोस को भी लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई अभी के अभी फटाफट कर दो, दबा दो मतलब ठोक दो उस बटन को। बाकी यार मिल जाएंगे आपसे एक और नई गाड़ी लेके यार, अब जैसे ही पेपर खत्म होंगे ना मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, मैं जाऊंगा फरीदाबाद और लग्जरी एन गाड़ी आपके लिए पक्का लेके आऊंगा। अपनी बात चल रही है एक BMW और मर्सिडीज में, बाकी एक बलेनो भी अपन लाएंगे, वो भी आपके लिए जरूर लाएंगे। तो यार कर देते हैं शॉर्ट से नोट पे इस वीडियो को एंड, अंटिल देन गुड बाय।